दोस्तों, जेल शब्द सुनते ही हमारे जहन में कई तरह की तस्वीरें बनने लगती हैं। छोटे छोटे अंधेरे कमरे, दूर दूर तक फैली मायूसी, कमजोर और सनकी कैदी और दिल को दहला देने वाला टॉर्चर। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि सलाखों के पीछे की जिंदगी काफी खौफनाक होती है, लेकिन दुनिया तो वहाँ भी बसती है। कैदी जेल की चार दीवारी के अंदर जेल मैनुअल के नियम कायदों से बंधे होते हैं और उनकी दिनचर्या में भी खाने पीने, काम करने और आराम करने का समय मिलता है। उम्मीद है कि आपको इस दिनचर्या का हिस्सा कभी ना बनना पड़े, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको घर बैठे बैठे लेकर चलूंगा जेल के अंदर की सैर पर और साथ ही नजर डालेंगे अंदर रहने वाले कैदियों की जिंदगी पर एक नजर। तो थाम लीजिए अपने हाथों में कॉफी के मग और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलते हैं हम मिलकर इस रोमांचक सफर पर। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। दोस्तों, दुनिया में कोई चीज इंसान को सबसे अजीज है तो वो है आजादी, और जेल इसी आजादी को उन कुछ लोगों से छीन लेती है जो इसे डिजर्व नहीं करते। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब भी कोई अरेस्ट होता है तो उसे सीधे जेल नहीं भेजा जाता। क्रिमिनल चार्जेस लगने से लेकर जेल के अंदर तक का सफर काफी लंबा और उलझन भरा होता है। चार्जेस लगने के बाद पहले आरोपी को कस्टडी में रखा जाता है और फिर ये फैसला किया जाता है कि उसे बेल मिलेगी या नहीं। यहाँ ज्यादातर केसेस में बेल मिलना आसान होता है, तो वहीं संगीन अपराध के अपराधियों को बेल नहीं दी जाती। इसके बाद शुरू होता है कोर्ट और उसकी तारीखों का सिलसिला, जो कभी कभी महीने या साल नहीं दशकों तक चलता है। दोस्तों, ये जानकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे देश की जेल में मौजूद ज्यादातर कैदियों के केसेस अभी भी पेंडिंग है। कुछ को सजा ही सुनाई नहीं जा रही है तो कईयों का ट्रायल लंबा खिंचता चला जाता है। जिनके पास पैसा या पावर है उनके लिए इस जंजाल से बाहर निकलना फिर भी आसान है, नहीं तो आजाद हवा में सांस लेना कई कैदियों के लिए एक सपना बनकर ही रह जाता है। अब जब भी किसी कैदी को पहली बार जेल लेकर जाया जाता है, तब लोहे के बड़े बड़े दरवाजे, सीसीटीवी कैमरास और जवानों की मुस्तैद, तेज और अनुभवी निगाहों से ये कैदी पहली बार रूबरू होता है। एंट्री के वक्त इनकी काफी अच्छे से तलाशी ली जाती है ताकि ये अपने साथ कोई वेपन या फिर निजी चीजें जेल में ना ले जाएं। फिर उनका फिंगरप्रिंट और फोटो लिया जाता है, साथ ही मेडिकल चेकअप भी करवाया जाता है, जिसके बाद इन्हें सफेद यूनिफॉर्म और इनका कैदी नंबर दिया जाता है। हाँ, कुछ जेलों में इन कैदियों को ये व्हाइट यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ती और वहाँ ये अपने सादे कपड़े भी पहन सकते हैं। फिर इन्हें सेल या फिर बैरक असाइन किया जाता है, जो अलग अलग जेलों में अलग अलग तरीके से होता है। एक बैरक में आधा दर्जन से लेकर 100 से भी ज्यादा कैदी रहते हैं, हालांकि ये निर्भर करता है उस सेल के साइज पर। अब शुरू होती है एक कैदी की जेल की जिंदगी। अपने बैरक में जाते ही वो रूबरू होता है कई तरह के अलग अलग कैदियों से, कोई बेगुनाह तो कोई खूनी, कोई फंसा हुआ तो कोई जिंदगी से हताश। अब जाहिर है, जब इतने कैदियों का समूह इकट्ठे एक ही बैरक में रहता है तो गुटबाजी होना लाजमी है। पुराने कैदियों का बैरक में वर्चस्व होता है और वो अपने सभी काम बैरक में रहने वाले बाकी कैदियों से करवाते हैं। बहरहाल, जेल के अधिकतर काम कैदी ही करते हैं, चाहे वो साफ सफाई हो या फिर खाना बनाना। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जेल में फिल्मों में दिखाया जाने वाला रूखा सूखा खाना ही मिलता है तो आप गलत हैं। हर जेल का टाइम टेबल के अनुसार मेन्यू तय होता है। खाने के टाइम पर खाना और चाय के टाइम पर कैदियों को चाय भी मिलती है। बेशक खाना हमारे घरों की तरह स्वादिष्ट ना होता हो, लेकिन पौष्टिक जरूर होता है। कैदियों को हल्का कम मसाले वाला खाना ही परोसा जाता है ताकि वो बीमार ना पड़े। हाँ, अगर वो कुछ अलग से चाहें तो जेल में मौजूद कैंटीन से खरीद सकते हैं। इस कैंटीन में खाने पीने की जरूरत की ज्यादातर चीजें उपलब्ध रहती हैं, चाहे वो घी का डिब्बा हो, चाहे बिस्किट, नमकीन या सिगरेट्स। लेकिन दोस्तों, इस कैंटीन में बाहर की तरह करेंसी नोट नहीं चलते, बल्कि हर कैदी के अकाउंट में मौजूद टोकन से ही सामान खरीदा जा सकता है। ये टोकन कैदी के घर वाले, दोस्त या रिश्तेदार जेल अथॉरिटीज में पैसे देकर ऐड करवाते हैं और हर कैदी की महीने में अकाउंट लिमिट भी होती है। अलग अलग काम करने पर भी कैदी जेल के अंदर ये टोकन कमा सकते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात है कि जेलों को ऐसे सुनियोजित ढंग से चलाया जाता है कि इसमें ज्यादा पुलिस या सुरक्षा बल की जरूरत नहीं पड़ती। कैदियों के नाम के अनुसार हफ्ते में उनकी मुलाकात के दिन फिक्स होते हैं, जब उनके घर वाले उनसे मिलने आ सकते हैं। जरूरी सामान जैसे कपड़े, बिस्तर दे सकते हैं और उनके अकाउंट में टोकन भी क्रेडिट करवा सकते हैं। जेल के पूरे सिस्टम को समझने के बाद अब नजर डालते हैं कैदियों की दिनचर्या पर। दोस्तों, हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही इन कैदियों के दिन की भी शुरुआत हो जाती है।
सुबह 6 बजे सबकी गिनती के बाद उन्हें चाय दी जाती है। फिर ग्राउंड में एकत्रित होकर सभी कैदी अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। फिर वो अपने रोजमर्रा के काम जैसे ब्रश और नहाकर नाश्ता करते हैं, जिसमें ज्यादातर पोहा, उपमा और दलिये जैसी चीजें होती हैं। नाश्ते के बाद 8 से 12 बजे तक कैदी अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। कुछ कैदी साफ सफाई करते हैं तो कुछ दोपहर के खाने की तैयारी। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर कारपेंट्री, जिसका जैसा स्किल होता है उनके अनुभव के हिसाब से ही उन्हें काम मिलता है। कई कामों के लिए उन्हें टोकन के रूप में पैसे भी मिलते हैं, जो वैसे तो बाहर के मुकाबले काफी कम होते हैं, लेकिन इससे कैदियों को काम करने की प्रेरणा मिलती है। अब संजय दत्त को ही ले लीजिए। ये जब जेल में थे तो पेपर बैग्स बनाते थे। 100 बैग बनाने के लिए उन्हें 45 रुपए मिलते थे। इसके अलावा अहमदाबाद की साबरमती जेल के कैदियों के बनाए भजिए भी बाहर बिकते हैं। दोपहर होते ही कैदियों को लंच परोसा जाता है, फिर उन्हें कुछ समय आराम के लिए दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें वापस काम में लगना होता है। शाम 4 बजे नाश्ते में कैदियों को फिर से चाय और बिस्किट दिए जाते हैं, जिसके बाद वो अपने मन मुताबिक अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर कैदी सेमी ओपन जेल में है तो शाम को वो अपने सेल के बाहर टहल सकते हैं, मैदान में वॉलीबॉल जैसे खेल खेल सकते हैं, कॉमन रूम में मौजूद टीवी देख सकते हैं या फिर जेल लाइब्रेरी में जाकर किताब भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जेल में अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो अंदर ही उस क्लास की तैयारी कर सकता है, जिसके बाद उसका एग्जाम लिया जाता है, और अगर वो पास हो जाता है तो वो पढ़ाई भी उसी तरह मान्य होती है जैसे बाहर किसी स्कूल या कॉलेज की डिग्री। फिर शाम को 7 बजे कैदियों को डिनर दिया जाता है, जिसमें रोटी, सब्जी और दाल होती है। डिनर के बाद उनकी गिनती होती है और सभी को अपने अपने बैरक में भेज दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जेल में त्योहारों के दिनों में स्वादिष्ट भोजन और मिठाई भी दी जाती है। देश की सारी जेल्स में वैसे तो यही शेड्यूल फॉलो होता है, लेकिन चूंकि प्रिजन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, इसलिए काम, खाने के आइटम्स, रूल्स रेगुलेशंस और टाइमिंग में थोड़ा बहुत अंतर होना स्वाभाविक है। दोस्तों, जहां जेल में दिन तो इधर उधर के कामों में निकल जाता है, वहीं रात काटना कैदियों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। जेल में मौजूद ये सारे कैदी मानो भीड़ में एक घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। इस भीड़ में कई चेहरों पर पछतावा तो कई मायूसी और कईयों पर आक्रोश और नाराजगी भी देखने को मिलती है। जेल में लंबे अरसे तक रहने के कारण शारीरिक और मानसिक बीमारियां होना लाजमी है। लंबी सजा काट रहे कैदियों के लिए मानो जैसे जिंदगी के मायने बेकार ही हो जाते हैं। ऐसे मुश्किल समय में वहां मौजूद डॉक्टर्स और डिस्पेंसरी इनकी मदद करती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन महिला कैदियों का क्या? दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश की जेलों में कैद कैदियों में 4.5% महिलाएं हैं। वैसे तो अगर दूर से देखें तो पुरुष और महिला कैदी के जेल में या रूटीन में कुछ खास फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि कैसे जेलों में बंद इन महिला कैदियों को बेसिक फैसिलिटीज की कमी से लेकर शारीरिक और मानसिक शोषण के साथ ही जेल में जिंदगी बितानी पड़ती है। हमारे IPC में महिला कैदी से जुड़े कई गाइडलाइंस हैं, लेकिन कभी कम जगह के चलते तो कभी कम स्टाफ के चलते ये सभी नियम सही तरीके से लागू नहीं हो पाते। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमारे देश में फीमेल प्रिजन ऑफिशियल्स की संख्या काफी कम है। साथ ही पूरे देश में सिर्फ 20 फीमेल जेल हैं, जिनकी कैपेसिटी कुछ 5,000 कैदियों की है, लेकिन फीमेल इनमेट्स इससे कई गुना ज्यादा हैं, और इसी कमी के चलते इन फीमेल इनमेट्स की जिम्मेदारी भी मेल जेल ऑफिशियल्स को ही दे दी जाती है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा पर कड़े सवाल खड़े होते हैं और जेल के अंदर शारीरिक शोषण के मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं। इसके अलावा कई जेलों में इन महिलाओं को सैनिटरी पैड्स जैसी बेसिक जरूरतों तक के लिए जूझना पड़ता है। ऊपर से अगर कोई गर्भवती महिला को जेल में रहना पड़े तो उसके लिए समस्याओं की लिस्ट और भी लंबी हो जाती है, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या है प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन की। वैसे तो जेल का खाना टाइम पर और पेट भर दिया जाता है, लेकिन गर्भवती महिला को स्पेशल डाइट और सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी का सामना करना पड़ता है। जरूरत के वक्त पर गायनेकोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑफिसर का मिलना भी गनीमत होता है। बाकी अगर अपराध संगीन ना हो तो कई केसेस में गर्भवती महिलाओं को रिहा भी कर दिया जाता है। वहीं अगर कैद में ही बच्चे का जन्म हो जाए और बाहर उसे संभालने वाला कोई ना हो तो जेल और कई गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर ऐसे बच्चों के लिए जेल में ही पालना घर चलाती हैं, या बच्चों का अच्छे से लालन पालन किया जाता है और इस बात की कोशिश की जाती है कि इन्हें बाहर मौजूद बच्चों जैसी ही जिंदगी मिले और इनका भविष्य उनकी माँ की तरह अंधकार में ना चला जाए। इन सब के अलावा जेल का वातावरण किसी भी इंसान के लिए एक भयावह अनुभव साबित हो सकता है। हिंसा, मारपीट, शोषण जैसी घटनाएं तो यहाँ एक आम बात हैं।
लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की जेलों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर नहीं तो बता दूं कि वो है ओवरक्राउडिंग। दोस्तों, अगर नियम पर जाएं तो आईपीसी के मुताबिक एक बैरक में सिर्फ 20 कैदियों को ही रखा जाना चाहिए। साथ ही सभी को अपने सामान रखने के लिए अलग अलग स्टोरेज यूनिट मिलना चाहिए। हिंसक या फिर किसी फैलने वाली बीमारी से ग्रसित कैदियों को अकेले अलग सेल में रखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जेल्स में जाते ही आप देखोगे कि ना तो ये रूल्स फॉलो होते हैं और ना ही इन सेल्स में हीटिंग और कूलिंग की बेसिक फैसिलिटीज मौजूद हैं। बेशक इन कैदियों में से कई बेहद खतरनाक अपराधी भी होते हैं, लेकिन वो भी इंसान हैं और हम अगर अपनी इंसानियत भूल गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। खैर, जाते जाते एक दो भ्रांतियां जो जेल के बारे में आपको अक्सर सुनने को मिलती हैं। पहली ये कि जेल में एक दिन और एक रात को दो दिन के बराबर काउंट किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। जेल में अगर किसी को एक साल की सजा होती है तो वो अंदर पूरे एक साल की सजा काटता है, 6 महीने की नहीं। दूसरा ये कि उम्र कैद की सजा सिर्फ 14 साल की होती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सीआरपीसी के आर्टिकल 72 और 161 के मुताबिक ये कहा जाता है कि किसी भी मुजरिम को अगर उम्र कैद मिलती है तो उसे 14 साल से पहले नहीं छोड़ा जा सकता। बाकी उसका मतलब उसके नाम के मुताबिक उम्र भर की कैद ही होता है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कई जेल्स हैं जिनमें आप एक टूरिस्ट के तौर पर जेल देखने जा सकते हैं? क्या आप कभी ऐसे जेल की सैर करना चाहेंगे? या फिर अगर आप जेल की यात्रा पर कभी भी गए हैं तो कैसा था आपका अनुभव? नीचे कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।